अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो आज है फ्राइडे की शाम और 4:10 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल, PCR टेस्ट के लिए। और दुआ है कि अल्लाह ताला PCR टेस्ट सही से आ जाए। मोहम्मद अरहम भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू नदर व्लॉग, वेलकम टू नदर वीडियो। बाबी खाले वेरी जोकिंग, वी आर नॉट गोइंग टू कोविड टेस्ट, वी आर गोइंग टू शादी ऑफ योर होम। बस ये इनको हमने ये बताया है, लेकिन हम लोग कोविड टेस्ट के बाद जाएंगे इंशाल्लाह उधर भी। नो नाउ بدون هلي بدون سكر هاي اكثر في لتر بس اي اعطيني واحد تمام اي جيب। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, COVID-19 का टेस्ट करवाने गए थे, PCR टेस्ट करवाने गए थे हम लोग फ्राइडे की शाम में। और यहाँ पर मामा अपने लिए ट्रायल ले रही थी और उसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ से अपना कोविड टेस्ट करवाएंगे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि टेस्ट कैसा होगा और टेस्ट के रिजल्ट के अलग टेंशन कि वो क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कोविड टेस्ट अपना नहीं करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोविड था आया भी नहीं था हमारे घर में इस तरह के हम लोग टेस्ट करवाएँ, लेकिन अब हमें ट्रैवल करना था, इस वजह से हमें कोविड टेस्ट लाजमी हो गया था, वो भी PCR टेस्ट। अब वो नोज के ज़रिए आपका किया जाता है, हमारा तो नोज के ज़रिए किया, गले से भी उसके सैंपल लिए जाते हैं, तो लेकिन हमारा जो है नोज से लिया गया है। और मुझे बहुत ज़्यादा, इससे पहले मैंने वीडियो देखी थी कि कैसे होता है, बहुत मुश्किल लगता था। जब तक आप लोगों ने ना किया हो तो आप लोगों को मुश्किल ही लगता है, लेकिन हमने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हुआ। और जो कर रहे होते हैं उनकी भी बात अलग होती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे आपको जाकर बताती हूँ कि हमारी रिपोर्ट क्या आई है। अभी चलते हैं हॉस्पिटल और वहाँ जाकर करवाती हूँ PCR टेस्ट। अब मैं जा रही हूँ अपना PCR टेस्ट करवाने, अब मेरी टर्न आ गई है। मेरी सिस्टर ने और मेरी मामा ने करवा लिया था, मोहम्मद अरहम का नहीं होना और मोहम्मद अमन छोटी हैं, तो 8 ईयर से बड़े बच्चों का है, मोहम्मद अरहम अभी 4.5 साल के हैं। तो अब मैं जाके सीट पे बैठ गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि पता नहीं ये टेस्ट है क्या, किस बला का नाम है, कि जो मैं बहुत ज़्यादा सच में नर्वस हो रही थी कि क्या होगा इस टेस्ट में, क्योंकि मैंने खबरें बहुत ज़्यादा बुरी सुनी थी कि नोज से लेते हैं और बहुत पेन होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरा इजीली उन्होंने सैंपल ले लिया जल्दी। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस कोविड को यहाँ दुनिया से ख़त्म कर दे और इस बात की नौबत ही ना आए। आजकल टिकट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आजकल हमें कोविड टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। टिकट हमारा बुक हो चुका था, लेकिन जब तक हमारा कोविड टेस्ट नहीं ना आ जाए तब तक हम रिलैक्स हो ही नहीं सकते। तो बस हम लोगों ने, अब लास्ट डे था हमारा सैटरडे का, तब हमारी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट मैं आप लोगों को लास्ट में ज़रूर शेयर कर दूंगी। मेरे तवक्कलना ऐप पे 4 बजे नेक्स्ट डे 12 घंटे बाद तकरीबन मुझे अपना टेस्ट का पता लग गया कि मेरी रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव आई है, और आप लोगों के साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मेरा कोविड टेस्ट हो गया है और हम हॉस्पिटल से वापस चलेंगे और आप लोग तवक्कलना पे भी आपको चेक करवाऊंगी कि मेरी रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ आया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और कोविड टेस्ट अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग इंशाल्लाह ट्रैवल करेंगे, कल अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर हम ट्रैवल नहीं कर सकते यहाँ से। और पाकिस्तान एयरपोर्ट पर भी जाकर हमारा कोविड टेस्ट किया जाएगा और वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेरी रिपोर्ट जो कि आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे जहाँ से हमने करवाया, जो डेट हमने करवाई है उस पर भी तब आ गया, लेकिन हमें चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में रिपोर्ट जिस पे सारा उस पर दिया हुआ है। और जो PCR टेस्ट हमने करवाया उसका तब दिया होगा इंफॉर्मेशन,